नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल भरवा बैंगन मसाला। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए भरवा बैंगन मसाला रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने लिया 300 ग्राम बैंगन। इसे अच्छे से धोकर सुखा लिया है मैंने। इसका डंडल को हम थोड़ा हिस्से में काट लेंगे। सारे डंडल को हम ऐसे ही काट लेंगे। नीचे से दो सिरा लगा के हम चार हिस्से में काट देंगे ताकि इसके अंदर सारे मसाला हम स्टफ कर सके। देखिए, इसी तरह सारे बैंगन को हम ऐसे ही काट देंगे। अब चलते हैं अगली प्रोसेस में। पैन को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। पैन जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 2 तेज पत्ता। दो सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग। इसे हम कुछ के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। आप इसे प्लेट में निकाल देंगे। सेम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 2 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 6 सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे ढक कर 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद इसके ढक्कन हटाया मैंने। देखिए, टमाटर अच्छे से गल गया। तो इसे प्लेट में निकाल देंगे। सेम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप सूखा नारियल। इसे काला चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। इसे भी प्लेट में निकाल देंगे और सारे मसाला ठंडा होने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर मैंने लिया 1 मिक्सिंग जार। इसके अंदर सारे मसाले को हम डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। इसे स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसके अंदर पानी ना डालें। देखिए, हमारा मसाला तैयार है। इसे प्लेट में निकाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। सारे चीजों को अच्छे से मिला दे। सारे मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मसाला बेकिंग के अंदर स्टफ करेंगे। तो इसी तरह सारे बैगन का हम ऐसे ही स्टफ करेंगे। सारे बैगन तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अगली प्रोसेस में। कढ़ाई का अच्छे से गरम कर लेंगे। कढ़ाई जैसे ही गरम हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 4 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सके। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब सरसों, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। आप इसमें डाल देंगे स्टफ करके रखा सारे बैगन। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर पानी ना डालें, पानी डालने से मसाला बाहर आ जाएगा। फ्राई होने के बाद हम पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से पलट दे। दूसरा साइड भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे बसा हुआ मसाला। बैंगन के साथ सारे मसाला हम मिला देंगे। इसे ढककर 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने और एक बार मिला दे इसे। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। ग्रेवी आप आपका पसंद अनुसार रख सकते हैं। मिला दे अच्छे से। इसे ढककर 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने। इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मिला दे अच्छे से।
इसे ढककर और एक मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। एक मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे प्लेट में निकाल देंगे। देखिए इतना कलर कितना बढ़िया लग रहा है ना। हमारा भरवा बैगन बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। आप इसे रोटी पराठा या फिर नान के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नया वीडियो में नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।